कार्मिक सिचुएशन ऐसी थी जो आपके कर्मों से बंधी हुई थी, और वो हर कुछ सालों बाद में आपको ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देती थी जहां पर आप केवल मात्र अकेले होते थे। आपको समझ में ही नहीं आता इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले। जब भी आपकी लाइफ में कार्मिक सिचुएशन का मतलब क्या है, एक टावर मूवमेंट फेस करना, आपका कर्म या सिचुएशन या लोगों के द्वारा कुछ ऐसी हरकतें आपकी लाइफ में करना जहां पर बेवजह का भुगतान भी आपने किया है, तो हो गई वो भी वही बात है ना। ऐसी सिचुएशन टावर मोमेंट के रूप में आपने फेस करी है जिससे निकलने के लिए आपको बिल्कुल गाइस के रास्ता ही समझ में नहीं आए, और वहां पर हर बार मिरेकल होकर ना आपको बाहर निकाला गया है। मतलब एक बात कह रहा हूँ, आप ब्लैक मैजिक से भी डील कर रहे हो, आप बुरी नजर से भी डील कर रहे हो, आप बुरे लोगों से भी डील कर रहे हो, और साथ में कार्मिक लोगों से भी डील कर रहे हो। और इनके अलावा अगर ग्रहों की स्थितियां बन जाती है कुछ ऐसे जो आपके पक्ष में ना हो, तो वो डेविल एनर्जी।